देखो अगर तुम 30,000 तक का कोई फोन बाय कर रहे हो तो अभी के टाइम पर ना कुछ चीजें तो मस्ट हैव है, जैसे कि 12GB रैम, एक अच्छा प्रोसेसर, अच्छी डिस्प्ले और बढ़िया सा कैमरा। तो भाई इस वीडियो में 12GB रैम वाले बेस्ट स्मार्टफोन्स बताऊंगा जो कि टोटली वैल्यू फॉर मनी होने वाले हैं। तो फटाफट करते हैं वीडियो को शुरू। तो फिफ्थ नंबर पर जो स्मार्टफोन है वो है Moto G84, जो कि 5G स्मार्टफोन होने वाला है। ये जो स्मार्टफोन है ना, ये एक लेटेस्ट लॉन्च हुआ है अभी, जो कि सितंबर 2023 का लॉन्च है। और एक्चुअल में ये जो स्मार्टफोन है ये बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें ऑक्टाकोर 2.2GHz डुअल कोर प्लस 1.8GHz हेक्साकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर है। और साथ में 12GB रैम, 6.5 इंचेस की POLED डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 120Hz का रिफ्रेश रेट है और काफी यहाँ पे बढ़िया एक्सपीरियंस देने वाली है। Moto G84 कैमरा की बात करें तो इसमें मिल जाता है 50MP प्लस 8MP का डुअल प्राइमरी कैमरा LED फ्लैश के साथ, और 16MP का शानदार फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाता है। फोटोज काफी शार्प है, डिटेल्ड है, बट कहीं कहीं तुम्हें यहाँ पे ओवर सैचुरेशन देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही माइनर चीज है, इससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बैटरी बैकअप की बात करें तो 5000mAh की मैसिव यहाँ पे बैटरी मिल जाएगी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ। तो जो इस फोन का 12GB वाला वेरिएंट है वो अराउंड 22,000 के आसपास मिल जाएगा। और अगर तुम्हें 30,000 तक नहीं जाना बजट को लेकर, 22,000 में ये जो फोन है ना, ये एकदम ब्लॉकबस्टर डील होने वाली है। इससे बढ़िया डील और मिल ही नहीं सकती। बहुत ही वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, लेटेस्ट लॉन्च है, शानदार कैमरा और एवरीथिंग, ये अपने बजट को पूरी तरह 100% जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट जो स्मार्टफोन है वो है रियलमी नार्जो 60 प्रो, जो कि अगेन एक 5G स्मार्टफोन है। ऑक्टाकोर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 के साथ आता है और 12GB रैम इसमें देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, जो अगेन बहुत ही बढ़िया कलर्स यहाँ पे निकाल कर देती है, और ओवरऑल यूज में भी बहुत ही डिसेंट एक्सपीरियंस होने वाला है। कैमरा की बात करें तो 100MP प्लस 2MP डुअल प्राइमरी कैमरा मिल जाता है LED फ्लैश के साथ, और 16MP का फ्रंट कैमरा है जिसकी फोटोज कुछ ऐसे निकल कर आती है। इस फोन के बैटरी बैकअप की बात करें तो 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ। ये स्मार्टफोन तुम्हें अराउंड 25K से 27K के अंदर में बढ़िया डील में मिल जाएगा। बेस्ट प्राइसेस बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो फोन है वो है Vivo V25। ये भी एक 5G स्मार्टफोन है, 12GB रैम और ऑक्टाकोर मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर के साथ आता है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। कैमरा की बात करें तो 64MP प्लस 8MP प्लस 2MP ट्रिपल प्राइमरी कैमरा इसमें देखने को मिल जाएगा, और साथ ही 50MP का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। यानी कि इसमें डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है वो पहले वाले दो फोन से कम है, बट कैमरे में बिल्कुल ही आग लगा रखी है। बैटरी इसमें मिल जाएगी 4500mAh की टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ। जो सेकंड नंबर पर हमारा स्मार्टफोन है वो है OnePlus की तरफ से OnePlus Nord CE3, जो कि एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है। 12GB रैम और ऑक्टाकोर स्नैपड्रैगन 782G के प्रोसेसर के साथ आता है। देखो OnePlus के फोन्स के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा कि कितने दमदार फोन्स होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के बाद भी परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी लैग नहीं देखने को मिलता। और एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स ये फोन काफी ज्यादा रिलायबल और काफी ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल कर देते हैं। डिस्प्ले की बात करें इस फोन की तो 6.7 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाएगी, जो कि फ्लूइड एमोलेड है और 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। कैमरा की बात करें तो 50MP प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरा मिल जाएगा, और 16MP का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा जिसकी पिक्चर्स कुछ इस तरह से निकल कर आती हैं। बैटरी की बात करें तो इसमें 5000mAh की बैटरी मिल जाती है USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक एम है 50 लाइक्स, प्लीज करवा दो बॉयज एंड गर्ल्स। तो जो फर्स्ट पिक होने वाला है इस वीडियो में वो है IQ Neo 7 5G स्मार्टफोन, जिसमें तुम्हें मिल जाता है Dimensity 8200 प्रोसेसर, जो कि Snapdragon 782G से भी बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है, और 12GB रैम के साथ तो बिल्कुल ही धूम मचाने वाला है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। कैमरा मिल जाता है ट्रिपल कैमरा और 16MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा। तो भाई पिक्चर क्वालिटी काफी शानदार यहाँ पे निकाल के देगा, बहुत ही नेचुरल और बहुत ही बढ़िया कलर्स यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ। इस फोन की बैटरी की बात करें तो 4500mAh की बैटरी मिल जाती है। तो भाई जो भी गेमिंग परफॉर्मेंस की सोच रहे हैं तो भाई बिल्कुल गेमिंग जो है मक्खन चलने वाली है, BGMI बढ़िया चलेगा इन सभी फोन्स में, कोई सोचने वाली बात नहीं है। पर हाँ, जिन फोन्स में मैंने स्नैपड्रैगन 782G और Dimensity 8200 प्रोसेसर के बारे में बताया है वो फोन्स यहाँ पर बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल कर देंगे एज कम्पेयर टू दी अदर स्मार्टफोन्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं, किसी भी तरह की क्वेरीज है तो फील फ्री टू कमेंट। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।